देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए और महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तो सामने आ रहा है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान का इंतजार है। सीट बंटवारे को लेकर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात 3.5 घंटे तक बैठक भी की है। कल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बैठक है, कल शिंदे भी अपने नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। तो बैठकों का दौर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अब हलचल तेज हो रही है। कल देर रात 3.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की है। शिंदे भी अपने नेताओं से अब आने वाले कल मीटिंग करने वाले हैं और महाविकास आघाड़ी की बैठक भी कल तय है। और ऐसे में अगर महायुति की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, तो फिर महाराष्ट्र में एनडीए का संभावित फॉर्मूला अभी तक जो सामने आ रहा है, देखिए उसमें तस्वीर ये उभर रही है कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। इसमें बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीटें दी जाएंगी और एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 सीटें दी जाएंगी। तो ये वो आंकड़ा है जिसके तहत महायुति में सीट शेयरिंग जो है उसको लेकर मोहर लगाई जा सकती है। और वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी का जो संभावित फॉर्मूला है उसमें शिवसेना उद्धव गुट 13, कांग्रेस 19, ये वो फॉर्मूला, एनसीपी शरद पवार गुट 6, ये वो फॉर्मूला जिस पर मोहर लगाई जा सकती है चुनाव लड़ने के लिए। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से, महाविकास आघाड़ी या महायुति, कहाँ ऐसा लग रहा है कि पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर सहमति बन जाएगी और औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, और दोनों ही गठबंधन में पेच कहाँ फंस रहा है सूरज? देखिए, चुनाव की तारीख सामने है और महाराष्ट्र में दोनों ही अलायंसेस ने अब तक औपचारिक तौर पर अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अनाउंस नहीं किया है। इसकी वजह रोमाना साफ है, दो तरह की वजह है। एक तो एनडीए में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जा सकती है और दूसरा महाविकास आघाड़ी से क्या प्रकाश आंबेडकर दूर हो सकते हैं। तो ये दोनों ही जो कयास हैं, इसमें जो फॉर्मूले अब हम आपको दिखा रहे हैं टीवी पे, ये फॉर्मूले बदल भी सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अगर एनडीए में जाती है तो दक्षिण मुंबई की जो एक सीट है वो उन्हें दी जा सकती है, जहां पर एमएनएस अपने उम्मीदवार मैदान में खड़ा करेगी। ऐसे में फॉर्मूला बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला का नंबर किसका बदलेगा, बीजेपी का बदलेगा, शिवसेना का बदलेगा या फिर एनसीपी का बदला जाएगा, इस पर भी गहन मंथन चल रहा है। वहीं पर अगर प्रकाश आंबेडकर अपनी डिमांड करते हैं, जैसा कि कल उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, उसमें कहा कि आप महाराष्ट्र की किसी भी 7 सीटों पर का चयन कर लीजिए, वहां पर हम आपको खुले तौर पर समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर नाराजगी भी एक तरह से दिखाई कि वो उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो यही कुछ जो पेच है जो फंसे पड़े हैं, और यही पेच बताया जा रहा है, जो मैराथन मीटिंग चल रही है लगातार, कल भी मीटिंग चल रही थी, आज भी कुछ लोग मिलने वाले हैं, कल भी मीटिंग है। तो ये मीटिंग अब डिसाइड करेगी कि आखिर दोनों ही अलायंसेस का फॉर्मूला क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंतजार है अभी कि महाराष्ट्र में चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, दोनों ही जो अलग अलग गठबंधन है उनमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।